अभी हम बोधगया के हथियार गांव के महादलित टोला में हैं। यहां सिद्धार्थ कंप्रेशन ट्रस्ट के द्वारा खाद सामग्री बांटा जा रहा है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह यहां महिलाओं का कतारबद्ध लाइन लगा हुआ है और सिद्धार्थ कंप्रेशन के द्वारा यहां खाद सामग्री बांटा जा रहा है। और यहां जो है लगभग 500 महिलाओं के खाद सामग्री बांटा जा रहा है। गया बादल कुमार। Today, a few monks and myself, along with some members from Siddhartha Compassion Trust, have come here at Hathiyar Village to distribute 250 food packages to migrant workers. This is our chance to reach out to the community to help those who are in need right now. And the migrant workers are the most important people that we want to help out right now. Thank you. हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस सभी फैल रही है हर तरह से जगह पे, अभी हम लोग सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट के जरिए लगातार प्रवासी मजदूर हो चाहे दलित लोग हो, हर लोग को हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन सामग्री कर रहे हैं, साथ में साबुन मास्क भी दे रहे हैं। साबुन मास्क किसके दे रहे, भोजन के हाथ लोग तो व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन 10-20 रुपये के लोग मास्क नहीं खरीद पाते हैं, लोग जरूरत नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम इसलिए जा रहे अवेयरनेस के साथ साथ मास्क भी दे रहे हैं ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल कर सकें। इसमें जो है 5 किलो आटा है, चावल है, नमक है, तेल है, सोयाबीन है और दाल है, हर तरह से व्यवस्था इसमें एक सप्ताह का भोजन सामग्री हम दे रहे हैं। और ये सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट और वियतनामी अमेरिकन बुजुर्ग द्वारा लगातार हम लोग ये पहल कर रहे हैं।